11 देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लॉट हाइट 13 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन, शाबाश। राइट सर्कुलर कोन का मतलब बच्चे ये होता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। बस राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये है कि ये जो कोन है ये बेसिकली ऐसा स्ट्रेट है, टेढ़ा कोन नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, नहीं भी लिखना, आप नहीं भी लिखना है तो चलेगा, कोई ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट उसने राइट सर्कुलर कोन जो लिखा है उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, वो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंगल टू द बेस ऑफ 90। एंगल टू द बेस जो है हाइट का, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, दैट इज इट, दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू टेल यू। इसकी जो स्लॉट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया भी लिया जाएगा और ये वाला एरिया भी लिया जाएगा। मैडम नहीं समझ में आ रहा, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। जसमीन जी डाउट? तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये केस है पाई आर एल प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 90 पाई। वो जब 90 पाई दे रहा है, और अगर आपने, आपके दिमाग में पता नहीं कोई भूत प्रेत आया है और आपने 22/7 डाल के 90 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो डफर हो आप। नहीं समझ में आया? वो आपको 90 पाई दे ही इसलिए रहा है ताकि ये वाला पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाए। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाइयों ये कटने वाला है, उसको कैलकुलेट करना मत शुरू कर देना। जसमीन जी डाउट है? ये छोटी छोटी, देखिए मेरी बात समझिए, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ क्योंकि सारी बेवकूफ़ियाँ मैंने की हुई हैं। तो जब हम बोलते हैं एग्जाम में, जब हम बोलते हैं और बच्चों का मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख के एकदम दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि इसमें टाइम जाने वाला है। उसमें एक्चुअल में टाइम इसलिए जाने वाला है कि अगर आप इस तरह की बेवकूफ़ी करोगे, नहीं तो उसमें टाइम नहीं जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया 90 पाई आपने यहाँ पर लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास इक्वेशन जो है, आपके पास स्लॉट हाइट जो है वो भी 13 सेंटीमीटर दी हुई है, तो स्लॉट हाइट जो है वो आर इंटू 13 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। दोस्तों नहीं समझ में आया? अब इससे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। भव्या जी कैसे करेंगे? आई एम सॉरी, शाबाश, वेरी नाइस। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूप बदल के आई है आपको तंग करना। इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर +13 और प्लस 13 आर -90 -90 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विनीत जी। नहीं समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी फिर से अगर आपके अंदर कोई भूत प्रेत है, अब या तो आप फॉर्मूला लगाओगे विच इज अगेन अ वेरी बिग लूप, बट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 90 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या क्या होंगे, 45 होगा, 3 1 द 3 15 होगा, और मोस्ट प्रॉबली 3 5 द 15 है और 5 1 द। इन ये वाले नंबर्स को लेके, ये वाले नंबर्स को लेके आपको ये देखना है कि क्या फैक्टर बनेगा, क्या फैक्टर बनेगा, 18 और 18 और 5 कैसे बनेगा, R² नाइन टू द 18 है प्लस 18 आर है -90 इज इक्वल टू 0। जसमीन जी नहीं समझ में आया? अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो क्या है अंकल, वही तो सेम तो टाइम लगता है, इसमें कुछ मज़ा तो आया नहीं, तो अगर आपको वो दूसरा वाला आपका अच्छा लगता है, कई बार क्या होता है प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में आप नहीं बना पाते, अगर नहीं बना पाते यार फिर ये तो अपने पास है ही है ना, आर इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2, ये तो है ही है, ये बेवकूफ़ी है। बट कई बार नई फैक्टर मिलेंगे तो क्या करोगे, जान थोड़ी दे दोगे। जसमीत जी मेरी बात नहीं समझ आ रही, ये फॉर्मूला क्या है, फिर आने दो। मेरी जी समझ आया? हाँ वो पुराना है, 9th में, अगर अब नहीं आता तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है मैडम, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाली वैल्यू
हाँ एमसीक्यू में शाबाश, एमसीक्यू में वो बेस्ट होता है, एमसीक्यू में जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया, बट अगर आप देखना चाहते हैं फॉर्मूला क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको कराई इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वाला फॉर्मूला है, याद है? ये नाइन्थ में आपको कराया गया था, नहीं कराया गया था तो फीस क्यों देते हो इतनी? फीस क्यों देते हो? अच्छा हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला किया नहीं? हाँ टेंथ में आएगा, हाँ टेंथ में आएगा, टेंथ में आएगा, टेंथ में कर लेना, नाइस। तो खैर रेडियस आ जाएगा, एक बार आप रेडियस निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, क्या भूत प्रेत आपको, हाँ नाइस, उसने पाई आपकी आपको बोला है कि सर 3.14 है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब वो आपको कोई भी पाई की वैल्यू देता है, जैसे एक क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं आगे, जिसमें पाई की बड़ी एक विचित्र सी वैल्यू है 355/113 करके, ऐसे करके उसने वैल्यू दी है, जब वो ऐसी वैल्यू आपको देता है तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, सॉरी हाँ वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, वो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार जो डिनोमिनेटर है ना वो ऊपर किसी न्यूमरेटर से कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको गाली निकालनी शुरू कर दो, कैसे रास्ते बदल बदल के हमें मारना चाहता है, ऐसा नहीं है, वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये आपने किया ला 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 हा 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 हू हू किया, इसमें आर की दो वैल्यूज आ गई भव्या जी, एक -18 एक, ये माइनस को तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 5 को, नहीं समझ में आया, याद रखो डाउट, एक बार आपने ले लिया एक लाइन लिख दीजिए क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है कि सर नेगेटिव को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है भव्या जी, डाउट है। और फिर वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एच करके, अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रख लीजिए विनीत जी, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उसने आपको स्लांट हाइट 13 दी है और रेडियस आपने 5 निकाला है, तो हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस लगेगी भाई, विनीत जी डाउट, ये 13 है ये 5 है, तो हाइट निकालने के लिए अगर आपको नहीं समझ आता सिंपल लिख लीजिए एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये एक्चुअल में इट्स अ गुड हैबिट कि अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होता है, इट्स अ गुड हैबिट कि अगर आप एच प्लस माइनस 12 लिखें, इट्स अ गुड हैबिट क्योंकि हाँ ऑफकोर्स यू विल से कि सर नेगेटिव आप कंसिडर नहीं करेंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इट्स अ गुड हैबिट बिकॉज 11th 12th में इस बात पे बड़ी लड़ाई होती है, और सेम लड़ाई आई थिंक आप जब इन इक्वेशंस करोगे तब भी होगी। सो इट्स अ गुड हैबिट कि अगर एक्स स्क्वायर 25 के इक्वल है तो हमेशा आप एक्स प्लस माइनस 5 लिखें, जस्ट गेट इनटू दैट हैबिट। वो 7th 8th में चल रहा था एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स 5 है, बट 9th 10th 11th 12th में वो नहीं चलता, हायर क्लासेस में नहीं चलता। सो इट्स अ गुड हैबिट, एच स्क्वायर अगर 144 है एच प्लस माइनस 12 लिखिए, एच को लिख दीजिए सर वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एच क्या होगा 12 होगा, और क्योंकि एच 12 होगा तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो ये 314 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। यूनिट्स प्लीज़ लिखिए, यूनिट्स को स्किप मत कीजिए दोस्तों, कोई डाउट है पक्का? ओके okay.